नमस्कार भाइयों बहनों, तो आपका स्वागत है हमारे शो पड़ोसी की कुतिया भोकी, घर के काम का चूल्हा चौकी में। इस शो में हम आपको बताएंगे कि घर के कठिन कामों को कैसे सरल तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कूलर के पास में क्यों खड़ा हूँ। नहीं सोच रहे तो सोचो, क्योंकि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया और मुझे पता है कि कूलर भरने की ड्यूटी सिर्फ आपको दी गई है, है ना? लेकिन आप भी एक नंबर के निकम में हो। आप नल तो चालू कर देते हो लेकिन उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट कामों में बिजी हो जाते हो, जैसे तो मोबाइल में देखना, पड़ोस में देखना और खुद की चड्डी में देखना। लेकिन फिर जैसे आप अपने इंपॉर्टेंट कामों से बाहर निकलते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आपने नल तो बंद किया ही नहीं, लेकिन तब तक चिड़िया चुक चुकी होती है खेत और आपके घर वाले आपको नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे तो उन्होंने मिश्री की जगह फिटकरी चाट ली और सोने की जगह टट्टी में हाथ दे दिया हो। तो ऐसे दुखियारे भाई बहनों के लिए हमने बनाया ये शो, जिसका आज है पहला एपिसोड। तो आज हम आपको बताएंगे कि कूलर में पानी बिना बहाए कैसे भरा जाए। तो देखिए, कूलर में पानी तभी बहता है जब उसमें पानी भरा जाता है, और पानी क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसकी मोटर पानी खींचती है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी फॉर्मूला के हिसाब से आज हम इस सॉल्यूशन को चार स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप, पलड़ा खोलो। दूसरा स्टेप, मोटर को बाहर निकालो। तीसरा स्टेप, मोटर को बाहर निकाल के फेंक दो। चौथा स्टेप, पलड़ा को वापस लगा दो और जितना पानी है जिंदगी भर उतना ही पानी रह जाएगा। दोस्तों, कर दिया ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो बने रहिए हमारे साथ इसी शो में जिसका नाम है पड़ोसी की कुतिया भोकी, घर के काम का चूल्हा चौकी में। मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में दूसरे घरेलू प्रॉब्लम के साथ, जिसका हम सरल तरीके से निकालेंगे सॉल्यूशन। धन्यवाद।